नमस्कार, मैं माही पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार शाम पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए प्रियंका के वाहन को पुलिस ने रोक लिया। प्रियंका गांधी ने लखनऊ पुलिस पर गला दबाने और धक्का देकर गिराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। प्रियंका ने कहा कि हमें रोड पर रोकने का कोई मतलब नहीं है। जफर को CAA विरोध के दौरान बंदी बनाया गया था। प्रियंका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए, तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई, नहीं फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा तो फिर मैं उससे उतर गई और वहाँ यहाँ तक पैदल आई। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।